नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, कौन सर? कौन यहाँ? शामली डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे, शिक्षा मित्र। बताइए सर, पूछना चाह रहे थे शिक्षा मित्रों के बारे में, कुछ जानकारी लेना चाह रहे थे सर। तो ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं कि नहीं? हाँ सर, ग्रुप से जुड़े तो हैं, नंबर लिया था एक दिन आपको व्हाट्सएप ग्रुप, पता है सर? नंबर लिया था एक दिन आपका व्हाट्सएप ग्रुप से, उठा था जी अभी उससे। तो व्हाट्सएप ग्रुप पर, यूट्यूब पर सारे अपडेट्स दिए जा रहे हैं, अभी क्या रह गया है उसमें बताना। सर जी बस दिल तसल्ली सी हो जाए जो आपसे फोन कर लें, और कुछ नहीं। चलिए, वैसे व्हाट्सएप ग्रुप में डेली ही कुछ न कुछ जो भी रहता है अपडेट वो डालते रहते हैं, और यूट्यूब पर भी जिनसे जो भी बातचीत होती है वो सब डाल देते हैं, तो ध्यान से सुना कीजिए सारी चीज़ें और सारे पोस्ट पढ़ा कीजिए, तो अपडेट रहेगा आपके पास भी। हाँ वो तो बात ठीक है सर। सर फिर भी कोई नई न्यूज थी बता दो सर, कोई सारी हो शिक्षा मित्रों के बारे में, टेट पास वालों की। अभी कुछ दिनों पहले, ज़्यादा नहीं, हफ्ता 10 दिन हुआ, अखबार में आ रहा था कि मानदेय बढ़ाने पर विचार हो रहा है, आपके नेताजी लोग खूब लिख रहे थे मानदेय बढ़ने जा रहा है, 25,000 होने जा रहा है, ऐसा ग्रुप में देखे ऐसा होंगे। तो कुछ हो रहा नहीं, ऐसा तो कुछ हो देख नहीं हाँ, रहा और जी। लगातार हम जो है, जब से ये बजट वगैरह का जब भी कुछ आना होता है तो ये लोग हर साल जो है लिखते हैं, और हम लगातार कहते हैं कि 10,000 से बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा मानदेय। कारण, हाँ उसके सर, पीछे कई ऐसे कारण है लग ना, रहा उसके पीछे कई कारण जी। हैं। लोग जो है सिर्फ हवा में बातें करते हैं, कोई भी चीज होने या न होने का आधार होना चाहिए, कोई कारण होना चाहिए। आपने अगर हमें फोन किया है तो इसका कारण है, आप कोई भी काम करते हैं या कोई भी काम नहीं करते हैं तो उसका कारण होता है। जी सर अगर आपसे हम पूछें कि क्या आप जो है कभी WBM चलाए हैं, कभी मर्सिडीज चलाए हैं, तो कहेंगे नहीं। चलाएं क्या जी कभी, नहीं सर, चलाया नहीं। अरे सॉरी, WBM कर रहे हैं, BMW या मर्सिडीज, इस तरह का को कोई गाड़ी चलाए हैं? नहीं ना, ना सर, हमारे उसका पास तो क्या कारण मोटरसाइकिल है? के अलावा और कुछ हाँ, नहीं, आपके बस बस पास है ही नहीं है वो गाड़ी, तो जी। मोटरसाइकिल में पूछा जाएगा आपने चलाया है तो कहेंगे हाँ। तो हाँ हाँ का सर, कारण है कि आपके पास है मोटरसाइकिल, आपके आसपास है लोगों के पास, तो आपने चलाया। तो हर चीज का कारण होता है। ये तो छोटा सा उदाहरण था BMW मर्सिडीज। तो कोई भी चीज होने का कारण खोजिए तो सब समझ में आएगा। मानदेय जो बढ़ने की बात लोग कहते हैं, हम कहते हैं कि नहीं बढ़ेगा, उसके पीछे कई कारण है। पहला तो ये कि जिस विभाग में आप लोग हैं उसी विभाग में आपसे ऊंचे पद पर अनुदेशक हैं और जी। उनका मानदेय आपसे कम है, हाँ 1,000 रुपये कम है सर। तो जब ऊपर के पद पर वो हैं, उनका मानदेय आपसे कम है और उनका बढ़ ही नहीं रहा अभी, और जबकि उनकी संख्या भी कम है, हाँ उनकी संख्या कम है सर, मैं सर। तो उनकी संख्या कम होते हुए भी उनको अलग से बजट जारी करके उनका मानदेय नहीं बढ़ाया जा रहा। पहले ज्यादा भी था तो बल्कि कम हो गया। तो एक तो ये हो गया कि जब उनको नहीं मिल रहा, उनकी संख्या कम है, उनके लिए कम बजट बनाना है फिर भी नहीं बन रहा, तो एक तो ये कारण हो गया कि फिर इतने भारी मात्रा में शिक्षा मित्र हैं और ऑलरेडी उनको ज्यादा मिल रहा है उनकी तुलना में, तो इस आधार पर तो बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। दूसरा मुख्य कारण कि संविदा योजनाएं बंद करनी है, चाहे वो अनुदेशक हो, चाहे वो प्रेरक रहे हों, चाहे वो शिक्षा मित्र हों, ये योजनाएं जो लंबे समय से चल रही हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से, ये सब बंद होना है। जब ये संविदा योजना बंद ही होना है तो फिर मानदेय बढ़ाने की बात ही करना बेकार है। पता नहीं ये करो जाए, ये जो नेता है ये कहो जाए पर मानदेय बढ़ेगा, फलाना होगा, बस उसका हो जाए। अगर जो है आप अपने कक्षा में जो भी बच्चे आप जिनको पढ़ाते हैं उनसे पूछेंगे, बेटा बताओ कि भारत की अर्थव्यवस्था चाइना की अर्थव्यवस्था को कैसे पार कर सकती है, कोई बच्चा बता पाएगा? ना सर, कोई नहीं बता पड़ेगा कारण क्या है, नहीं बता पाएंगे। क्या जी। हाँ कारण है? उनका लेवल अभी उतना नहीं है, सर, छोटे बच्चे हैं अभी। छोटे बच्चे, लेकिन अभी पूछेंगे कि बेटा क्रिकेट में जरा सा बॉल कैसे फेंकते हैं, बॉल दीजिए और फेंक कर दिखाओ, फटाक से 4 बच्चे खड़े हो जाएंगे। हाँ सर, ये बात तो है जी। हाँ, अब क्या है कि वो उनके सिलेबस का है, उनके एज का है, तो बस यही फर्क है ये नेताओं का, उनके सिलेबस की जो चीजें नहीं है वो बताएंगे कहाँ से, उनके दिमाग में वो चीजें है ही नहीं है। उनके दिमाग में बस एक ही चीज घूमता है, मानदेय मानदेय, नेतागिरी, चंदा लूटो, धरना करो, यही सब घूमता है, तो इसलिए बस वो उतनी ही बातें करते हैं।
खैर तो वो सब जो भी बातें करते हैं वो सब गलत है। गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, जो वो पॉलिसी बना रही है उसी के अनुसार सब कुछ होगा और उसी अनुसार हो रहा है। एक वक्त था स्कूलों में फर्नीचर नहीं थे, लेकिन पॉलिसी बनी, बजट आया तो स्कूल में फर्नीचर हो गए ना जी। आपके स्कूल में हुआ नहीं फर्नीचर अभी? हाँ नहीं फर्नीचर है सर भैया। अभी 900 करोड़ रुपए और जारी हुआ है, जहाँ फर्नीचर नहीं है वहाँ देने के लिए 900 करोड़, 15 दिन हुआ अभी जी। तो कोई भी चीज जब प्लान करती है गवर्नमेंट तो उसका अनुसार होता है। ऐसे ही गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी करके प्लान किया है कि अभी तक जितने स्कूल हैं वहाँ पर पर्याप्त शिक्षक नहीं है, तो शिक्षकों की संख्या जो है बढ़ाने के लिए पहले जो है वहाँ व्यवस्था सुधार रही है। अब व्यवस्था सुधार ली है, अब जा रही है शिक्षक बढ़ाने जी। तो कमरे नहीं थे, शिक्षक जाके क्या करेंगे जब कमरे ही नहीं रहेंगे। तो पहले उन्होंने चलाया हर कक्षा के लिए अलग कमरा जी। तो कमरे बनाए गए। जी। अब जो है हर कक्षा में शिक्षक योजना शुरू कर रहे हैं और यूपी के अंदर 1,57,58,000 प्राइमरी विद्यालय हैं जी, और 5 कक्षा के आधार पर करीब 8 लाख के आसपास पद होंगे जी। और वर्तमान में शिक्षा मित्र को ले करके, सारे शिक्षा मित्रों को जी। ले करके 2 लाख के आसपास जो है शिक्षक कार्यरत जी। हैं, 2 लाख 3 लाख के आसपास। जी। तो संविदा समाप्त करना है, परमानेंट नियुक्तियां करनी है, जितने रिक्त पद हैं सब भरने हैं। तो करीब जो है परमानेंट शिक्षक 2 लाख से कम है तो 6 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। ये सारे पद भरे जाएंगे और जितने भी टेट या सीटेट पास शिक्षा मित्र हैं जी, उन सभी लोगों को उत्तराखंड मॉडल पर परमानेंट करने की तैयारी है। सर कितना टाइम लग सकता है? देखिए कितना टाइम एग्जैक्टली तभी पता चलेगा जब गवर्नमेंट डिक्लेयर करे। आप जो है जो काम चल रहा है उसमें अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, एक एक चीज देखते रहेंगे तो अंदाजा लगता जाएगा हर चीज का जी। अभी देखिए सीटेट हुआ है जी, सीटेट इस बार कितने परसेंट रिजल्ट बना है आपने देखा है? बस सर हमारा तो 2021 का हो रहा है, मैं उसके बाद में दिया ही नहीं। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आप पास है ना टेट सीटेट कुछ भी? हाँ हाँ सीटेट पास है सर प्राइमरी का। तो अभी 2024 का ये जो टेट सीटेट हुआ है ये जी, इसका रिजल्ट का भी इंतजार था, ये रिजल्ट आ गया। बहुत सारे शिक्षा मित्र होंगे जो कि इसमें पास हुए होंगे जी। तो अब तक देखा जाए तो करीब करीब जो है 2017 से जब से सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आया है यूपी टेट 4 बार हो चुके हैं जी, और सी टेट करीब करीब 9 या 10 बार हो चुका जी। तो गवर्नमेंट अब तक जो है स्कूलों को सुधार रही थी व्यवस्था जी, और जो भी शिक्षा मित्र वगैरह हैं उनको टेट सीटेट पास करने का मौका दे रही थी जी। पर्याप्त मात्रा में टेट सीटेट पास शिक्षा मित्र हो गए हैं। अब हाँ, जा तो रहे हैं तो हाँ अब जो है जा रहे हैं उत्तराखंड मॉडल यहाँ पर भी लागू करने। और जितने भी टेट और सीटेट पास शिक्षा मित्र हैं जी, ये सारे के सारे जो है परमानेंट कर दिए जाएंगे सहायक अध्यापक के पद पर। अभी जब ये नया सत्र शुरू होने जा रहा है अप्रैल से जी, तो अभी पहले रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, जैसे अच्छा हर साल रिन्यूअल होता है ना, अपग्रेड किया जाता है कि 1 साल बढ़ाया जा रहा है मान दे जी, संविदा, तो वो अभी रजिस्ट्रेशन होगा और डाटा लिया जाएगा। टेट सीटेट पास कैंडिडेट्स का डाटा कलेक्ट करेंगे जी, फिर उसके अनुसार जो है प्लानिंग करके कि कितने कहाँ पर हैं शिक्षा मित्र हर जिले में, उन आंकड़ों के आधार पर शुरुआत करेंगे। तो ये मानकर चलिए कि मार्च अप्रैल के में जो है आंकड़े लिए जाएंगे जी, और जो गर्मी छुट्टियां हैं इसमें जो है होने की पूरी संभावना है, प्रोसेस जो है तेजी से कंप्लीट करेंगे ताकि जुलाई से जी नियुक्ति वगैरह दे करके आगे बढ़े। तो मार्च अप्रैल में भी आप लोग का रजिस्ट्रेशन चलेगा पहले। सर 20 साल हो गए शिक्षा मित्र में लगे, बस बहुत छोना बुढ़े हो गए सर, बहुत दुखी। देखिए अब अगर हमें जाना था मुंबई और हमने जो है मुंबई का टिकट लिया लेकिन हम बैठ गए दिल्ली वाली ट्रेन पर, तो गलती किसने किया? हमने किया ना जी, सही कह रहे हैं गलती। तो अगर सहायक अध्यापक का पद ही लेना था तो सहायक अध्यापक का पद लेने के लिए जो प्रक्रिया है हर साल या कुछ सालों पर भर्तियां आती हैं जी, उनमें जो शर्तें होती हैं उनको पूरा करते हुए एक पद लेना होता है। जैसे 69,000 में, 68,500 में, 15,000 शिक्षा मित्रों ने लिया ना, लिया सर। और इसके पहले भी कई भर्तियों में हुए होंगे कुछ न कुछ लोग। बस सर वो
अभी टेट पास नहीं हुए थे सर, प्रयास तो प्रयास लेकिन बस पास नहीं हुए थे, कई बार दिया। हाँ, तो उस परमानेंट नौकरी अगर लेना था तो परमानेंट नौकरी का जो भर्ती आती है उसमें शामिल होना था, लेकिन आप लोग जो है संविदा पर गए और संविदा पर ही उम्मीद करते रहे कि परमानेंट हो जाएंगे, ऐसा हाँ नहीं होता है। हाँ आप हाँ हमें सर यही बात सही कह रहे हैं, आप उम्मीद रहती है इसके परमानेंट हो जाएंगे। तो अब ये बताइए, कोई बस है जो कि जी बनारस से लखनऊ जाती है, हम उस जी पर बैठ जाएं और उम्मीद करें कि हमको दिल्ली तक पहुंचाएगी, तो क्या वो पहुंचा देगी हमें? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं पहुंचाएगी। उसका अंतिम जो स्टेशन है वो लखनऊ है, तो जी हमें लखनऊ तक तो वो छोड़ देगी, लेकिन अगर जी हम उम्मीद कर रहे हैं, नहीं हम इससे तो उतरेंगे ही नहीं, हम तो दिल्ली इसी से जाएंगे, तो हमारे जिद करने से थोड़े ही होगा। एक समय जी आएगा कि वो लखनऊ पहुंचेगी और फिर उधर से वो वापसी करेगी, तो वापस फिर हम बनारस तक आ जाएंगे। जी तो अभी तक लखनऊ तक तो हम गए, तो हमारा तो प्रोग्रेस हो रहा था, आगे बढ़ रहे थे, जी लेकिन अब हमें बस बदल लेना चाहिए था, समझ में आ गया कि ये आगे नहीं जाएगी, तो हमें बस बदल लेना चाहिए जी था, लेकिन हमने बस नहीं बदला, जी हम तो जिद करके बैठ गए, हम इसी में बैठेंगे, लाओ तुम टिकट दो। तो सही वो बनारस वापस आ रहा था, सर बनारस का टिकट दे दिया, पैसा ले लिया, आपको फिर बनारस ला के छोड़ दिया, तो आप जहाँ से चले थे फिर वहीं सही आ गए। कह रहे तो हैं। आप जब नहीं जानते थे संविदा में ज्वाइन कर लिए, लेकिन फिर हाँ पता सर सही करना चाहिए था कहा ना कि क्या नियम में कहीं पर है इस तरह का कि संविदा वालों को परमानेंट किया जाता है। तो आप जब पूरी नियमावली आपने, छान डालिए, पूरी नियमावली, मतलब नॉलेज नहीं थी सर, बस नंबर थे अच्छे, बस अपना लगे थे वो होशियार, हाँ, बच्चे लगे नॉलेज थे नहीं दिमाग था, को। मोस्ट हाँ इम्पोर्टेंट ऐसे ही यही हुए। है, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन। तो आप लोगों को नॉलेज नहीं था, हाँ हम भी संविदा पर नौकरी किए हैं, हम भी जानते हैं जी कि सर संविदा पर नौकरी करने के बाद क्या होता है, कितनी उम्मीदें होती हैं। हम भी जो है जब भटक रहे थे मत नौकरी के लिए, टपक पानी फिर दिया सर, संविदा की नौकरी बहुत बुरी है जी आप नहीं, बुरी नहीं है, आपको बता रहे हैं कि एक सर। टाइम था, देखो हम मैं भी बताओ, जब जवान हो रहे हैं जी, बताओ जब क्या एक करें, मिनट एक बताओ मिनट एक मिनट संविदा में। एक टाइम था जब हम भी बीएड जी किए, तो जी बीएड करने के बाद फिर आए तो आगे अचानक से टेट, तो युवा भैया की जो है अब तो टेट देना पड़ेगा, चलो भाई ठीक है टेट दे देते हैं, वो भी दे लिए, पास हो गए, भर्ती भी आ गई तुरंत, भर दिए। अब जो है नंबर भी ठीक ठाक थे, अब जो है पूरे चांस थे कि जो है नियुक्ति मिल जाएगी, और मास्टर जी बनने की तैयारी कर लिए, कपड़े वपड़े बढ़िया बढ़िया सिलवा लिया गया, लेकिन पता चला कि भर्ती में अचानक से रोक लग गई, कोर्ट कचहरी शुरू हो गया और फिर वहीं से रुक गया। और फिर जो है थोड़ा बेरोजगारी थी, पैसे की दिक्कत थी, तो सब खोजने लगे नौकरी, तो पता चला कि भैया संविदा की नौकरी मिल जाए तो उधर से जो है उम्मीद रहती है, तो संविदा की भी नौकरी खोजने लगे, प्राइवेट भी खोजने लगे, संविदा में मौका मिल गया केंद्रीय विद्यालय का, फटाक से उसको ले लिया गया, तो या एक बार घुस जाए केंद्रीय विद्यालय में, फिर तो मास्टर जी केंद्रीय विद्यालय में रहेंगे। लेकिन जब सर गए केंद्रीय वहाँ, विद्यालय में लगाए सुविधा में। अच्छा हाँ बता रहे आपको, तो फिर जी केंद्रीय विद्यालय में जब गए तो फिर जाने के बाद हमारी जो भूख तो थी वो समाप्त नहीं हुई, वो हमने वहां तलाशना शुरू किया कि जो है संविदा पर तो आ गए ठीक है, अब परमानेंट होने का क्या सिस्टम है, कैसे होते हैं, क्या करना होता है। तो महीना दो महीना तीन महीना जब बीता, खोजना शुरू किए पुराने लोगों को कि हमसे पहले भी तो लोग संविदा पर रहे होंगे, तो उनसे हाँ बात जरूर किए, पता किए, बहुत सारे ग्रुप ज्वाइन किए, सारी चीज पता किए, तो पता लगा कि भैया हम पहले शख्स नहीं है जो ये उम्मीद कर रहे हैं, हमसे पहले भी बड़े बड़े धुरंधर थे। तो उन लोगों से जब बातचीत हुआ तो पता लगा कि उन लोगों ने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब लड़ाई लड़ा है। फिर हमने उनसे मांगा भैया क्या ऑर्डर आया, जजमेंट कहाँ मिलेगा हमें बताइए, तो उन लोगों ने बताया दिया, जाकर के वेबसाइट से, सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट से डाउनलोड किए, पढ़े, तो उस ऑर्डर में साफ साफ लिखा हुआ है कि संविदा को परमानेंट करने का कोई नियम नहीं है और संविदा को परमानेंट करने के लिए कोई नियम बनाया भी नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इस नियम, अगर ऐसा कोई नियम बनाते हैं तो ये समानता के अधिकार का हनन हो जाएगा, ये कैसे होगा? सुप्रीम कोर्ट ने उसकी भी व्याख्या किया, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मान लीजिए कि केंद्रीय विद्यालय या कोई भी विद्यालय है, 100 टीचर वहां पर संविदा पर पढ़ा रहे हैं और भर्ती आती है 50, ठीक है, और संविदा वालों को कोई 50 लोगों को नौकरी परमानेंट कर दिए, तो जो हजारों लाखों बच्चे बाहर बैठ करके तैयारी कर रहे हैं कहा उनको तो जाएंगे। मौका ही नहीं मिला, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उनके तो अधिकारों का हनन हो गया, ऐसे अगर आप भरते रहेंगे तो जो बाहर बैठा व्यक्ति है वो तो कभी नौकरी पाएगा ही नहीं, कभी नहीं मौका मिलेगा उसको। ये तो तो बात सुप्रीम सही है। कोर्ट का ऑर्डर है कि संविदा परमानेंट नहीं हो सकता, इस तरह का कोई नियम नहीं बनाया जा सकता, कोई भी राज्य इसको अगर करता है तो वो अवैध होगा। हाँ,
संविदा वालों को, चूंकि वो वहां पर सर्विस दे चुके हैं, तो उस सर्विस का लाभ गवर्नमेंट ले सकती है, उसके लिए उन्हें तरह तरह की छूट वेटेज दे सकती है। यानी कि अगर 50 पद आप निकाल रहे हैं तो उस पर जो है सबको फॉर्म भरने का मौका दीजिए, सभी लोग फॉर्म भरेंगे। इसके बाद जो है आप उनको जो आपके यहाँ पढ़ा रहे हैं उनको हर साल जो पढ़ाए हैं उसके आधार पर कुछ नंबर छूट दे दीजिए, वेटेज दे दीजिए, उम्र में छूट दे दीजिए, फॉर्म भरने की फीस में छूट दे दीजिए, इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं, लेकिन मौका आपको सबको देना होगा। तो जब ये सारी चीज हमने पता कर लिया तो हमारी आंखें खुल गई, भैया हम जिस चीज को सोच करके यहाँ आए तो वो तो नहीं होने वाला है। तो हम भी संविदा पर केंद्रीय विद्यालय में 3 साल रहे और अच्छे से हर चीज जान रहे थे, फिर हमने अपना आगे का रास्ता देख लिया, उस बस को हमने छोड़ दिया, हमें जहां जाना है हमने दूसरी बस पकड़ लिया। तो ये होती है जानकारी हासिल करना, खुद करना पड़ता है। अगर हम भी मूर्खों की तरह बस नहीं, हम तो परमानेंट होंगे, धरना करेंगे, कोर्ट कचहरी करेंगे, करते रहते तो हम भी उसी में फंस रहते। एक बात सुनो, जी बमोला गया जी ने हमारी ट्रेनिंग दी थी वहाँ मुजफ्फरनगर डाइट पे सर, वो मुझे मेरे पर बैरी थे, मैंने कह रहे थे भाई आप तो एक दिन पक्के हो जाओगे, हम तो वही अपने दिल में वही वही बदलनी थी, मगर जी इतने चीज लग रहे पक्के तो हो ही जाए। देखिए मीठी मीठी बातें सबको अच्छी लगती हैं। हाँ ये बात तो सही कहो, मीठी बातें सबने अच्छी लगती, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि चीनी जो खाता है वो आगे जाकर के बीमारियां उसे घेर लेती हैं, करेला जो खाता है जी ये बात सही है, हाँ कड़वी जो चीनी खाता है बीमारी से ग्रस्त होता है, फिर बाद में डॉक्टर उसको करेला खिलाते हैं, शुगर हो जाए जी, हाँ उससे शुगर हो जाए, बाद में डॉक्टर खिलाते कि नहीं, कहते करेला खाओ लौकी खाओ, कहते हैं ना। हाँ सही कह रहे, लौकी का जूस पियो। तो बाद में जो काम करना है वो काम पहले ही कर लिया जाए, क्यों हम लोग चीनी की तरफ भागे, पहले ही हम लोग करेला का स्वाद लेते रहे। तो मीठी बातें किसी की सुन करके कभी भी प्रभावित न हुआ कीजिए, सच्चाई तक पहुंचा कीजिए, ये बात सही कह रहे। मैक्सिमम लोग सच्चाई से बहुत दूर हैं। जी जी आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप शिक्षा मित्र हैं और आपके यहाँ जो बीएड किया हुआ सहायक अध्यापक आपसे ज्यादा योग्य है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके बीएससी, आपके एबीएससी, आपके जो अधिकारी हैं वो बहुत ज्यादा आपसे योग्य हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ फील्ड में हो सकते हैं आपसे ज्यादा नॉलेज रखते हों, लेकिन सारे फील्ड में नहीं। जी ये बात सही कह रहे हैं। तो वो जो काम कर रहे हैं, वो जिस विभाग में उनको जो काम दिया जा रहा है, जो काम कर रहे हैं वो उतना ही देख रहे हैं, उतना ही जानते हैं, उसके अलावा उनका जो अन्य विचार है वो उनका व्यक्तिगत विचार है, और वो विचार उनके नॉलेज पर डिपेंड करता है कि कितनी नॉलेज है उनके पास। जी सर सही कह रहे हैं। एक आईएएस पीसीएस के पद पर बैठा व्यक्ति भी अनजान हो सकता है कुछ चीजों से, जी जी तो लेकिन एक अनपढ़ व्यक्ति भी बहुत सारी चीजों से जो है वाकिफ हो सकता है। बिल्कुल, जमीन के नीचे कहाँ पानी है, एक आईएएस पीसीएस से कहा जाएगा बता दो, नहीं बता पाएगा। लेकिन बहुत से ऐसे टेक्निक हैं, एक अनपढ़ व्यक्ति उनका यूज करके बड़े आराम से बिना खुदाई की ही बता देगा कि यहाँ पानी मिलेगा। पुराने लोग, हाँ उनको अनुभव है, नॉलेज है, तो उस चीज का नॉलेज उनको है तो वो बता रहे हैं, लेकिन जिस चीज का नॉलेज आईएएस पीसीएस को नहीं है वो कैसे बता देगा। ऐसे ही जिनसे आपने पूछा तो उन्होंने अपने आसपास जो देखा होगा, जो सुना होगा, उसके आधार पर उन्होंने कह दिया कि ऐसा हो जाएगा, ट्रेनिंग चल रही है तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन वो डीप में नहीं गए ना, नियम कानून क्या है, सिस्टम क्या है। कुछ लोग फोन करते हैं तो कहते हैं कि फला राज्य में तो ऐसा हुआ है, वहाँ ऐसा हुआ है। तो आप जानते हैं कि जब भी किसी राज्य में, जैसे यूपी के अंदर बात करें, शिक्षा में समायोजन हुआ था, क्या दूसरे राज्य में लोग मांग नहीं किए होंगे कि यूपी में हुआ है, दूसरे राज्य वाले भी इसको देखकर मांग किए होंगे, लेकिन यूपी में क्या हुआ है वो परिणाम यहाँ वाले भुगत रहे हैं जी। अब दूसरे राज्य वाले जो नहीं इन चीज को जानते हैं तो वो तो बस यही कहेंगे वहां तो हुआ है भाई, हमारे राज्य सरकार भी दे, धरना करेंगे, कोर्ट कचहरी करेंगे, पूरी जानकारी उनको है नहीं। एनआईएस डीएलएड वाले किसी भी सरकारी भर्ती के लिए अभी वैलिड नहीं है, बिहार सरकार उनको ले रही थी, कुछ और राज्य की सरकारें ले रही थी, यूपी वाले मांग कर रहे थे भैया हमको भी करो, वहां तो हो रहा है, हुआ कि ना, कोर्ट कचहरी कर दी, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया जहाँ कहीं हुए भी हैं उनको निकालो, बाहर करो जी। तो नियम जो है वही लीगल है, नियम जो नहीं है किसी ने किया भी होगा तो वो अवैध है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कहीं ना कहीं वो बाहर हो जाएंगे जी। तो नियम को जानने का प्रयास हमेशा कीजिए कि नियम है या नहीं है, है तो बिना मांगे मिल जाएगा। एक बात बताया था सर, ये जो सिस्टम है कब तक हो सकता है जी? हाँ तभी हम लोग अब इस पर आ जाते हैं। देखिए
वर्तमान में यूपी में बीजेपी की सरकार है, तो हाँ बीजेपी हम लोग सरकार जो भी बात करेंगे बीजेपी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त कोई और नहीं कुछ कर सकता। जी जी सही कह रहे 2022 में हैं चुनाव हुए हैं, अब इसके बाद 27 में होंगे, 27 तक तो बीजेपी के अलावा कांग्रेस, सपा, बसपा और कोई कुछ नहीं कर सकता यूपी के अंदर। ना, कोई नहीं कर सकता सर। हाँ, और केंद्र में भी फिलहाल अभी बीजेपी है, इसलिए बीजेपी की बात करेंगे। अगर 2024 चुनाव में कोई और आ जाता है जीत कर, तो आगे का जी उनसे संबंधित बात होगी। तो जी पहले हमने इसलिए बीजेपी का नाम लेकर के ये चीज क्लियर कर दिया कि बहुत सारे लोगों को बीजेपी के नाम से चिढ़ होती है, तो उनको पहले ये ना, कि क्या स्वीकार हो, करना चिड़ करेगा। पड़ेगा कि जो कुर्सी पर है वो ही कर सकता है, तो उसी की बात करना बेहतर होगा। जी, सही बात है। तो अब यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि अन्य राज्यों में, यूपी के अंदर तो जो है शिक्षा मित्र मैटर सुप्रीम कोर्ट गया था, उलझा हुआ था। अन्य राज्यों जी में देखा जाए कि क्या कर रही थी बीजेपी, तो जो उन्होंने दूसरे राज्यों में किया होगा वही चीज यहाँ भी कर सकते हैं। तो अभी कुछ समय पहले मीटिंग भी हुआ था और उसमें रखा भी गया था कि उत्तराखंड में जैसे हुआ है वैसे ही यूपी के अंदर करना, तो उत्तराखंड में भी बीजेपी और उन्होंने ही किया है। तो वहां पर उन्होंने दो तीन चीजें की हैं। पहला तो जो टेट सीट जैसे जैसे पास करते गए उनको सहायक अध्यापक का पद देते चले गए। वहां कोई कोर्ट कचहरी, अवैध समायोजन जैसा कुछ हुआ नहीं था, वहां कोई दिक्कत नहीं था, तो होता गया। तो वही चीज यहाँ लागू करने जा रहे हैं, जो भी टेट सीटेट पास शिक्षा मित्र हैं उन सभी को एक साथ करने जा रहे हैं परमानेंट सहायक अध्यापक बनाने, और वेतन जो वही सहायक अध्यापक वाला इस समय 40-45 है ना, वही वेतन रहेगा। जैसे उनको जो छुट्टी मिलती है, सीएल मिलता है या जो कुछ भी मिलता है, वो सारी सुविधाएं उनको जो भी मेडिकल यानी जो भी लाभ मिलता होगा, इंक्रीमेंट वगैरह जो भी, टीएडीए जो भी, वो सारी चीजें मिलेंगी। यानी सहायक अध्यापक के पद पर आपको जो जो चीजें मिलती हैं वो सब, तो वेतन आपको 40-45 हो जाएगा। और ये सर जी, ज्यादा वो तो हो वक्त जाएगा सर, नहीं, नु बता दो कब तक हो जाएगा बस। हमारा तो यही हम अभी थोड़ी देर उम्मीद पहले हमने जी। बताया, अभी फिर से बता दे रहे हैं। अभी पहले आप लोगों का डाटा लिया जाएगा, अभी सीटेट का रिजल्ट का इंतजार हो रहा था। अच्छा, सीटेट का सीटेट रिजल्ट का तो आ गया सर। सीटेट अब आ गया, सर, यूपी टेट के तो निकल गया थी क्या खबर? हम क्या चीज, यूपी टेट का कह रहे शुरू हो गए रजिस्ट्रेशन, नहीं यूपी टेट का कहाँ हो रहा है रजिस्ट्रेशन? मंगा रहा था यूट्यूब का, यूट्यूब का फॉर्म। नहीं, यूपी टेट का कोई अभी जिक्र नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। और यूपी टेट मान कर चलिए कि संभावना कम है अब होने की, अब सी टेट ही होता रहेगा। यूपी सरकार यूपी टेट के मूड में अभी तो फिलहाल नहीं दिख रही है, और चूंकि सेंट्रल करवाता ही है इसलिए जो है यूपी सरकार जो है विचार कर रही है यूपी टेट बंद करने पर, इसलिए करवा नहीं रही है। जी, तो सी चलो टेट हो सर। ही रहा है, और अब हाँ जो सीटेट है तो हो मार्च और अप्रैल में आप लोग का जो है रजिस्ट्रेशन एक बार फिर से डाटा फिल कराया जाएगा, फिट और जी ऑनलाइन डाटा फिट करेंगे और सब लोग बताएंगे जी टेट सीटेट कितने पास हो गए हैं, वो डाटा आ जाएगा उनके पास। जी इसके बाद अप्रैल के बाद जो है प्रोसेस शुरू हो जाएगा, सर, तो इस बार जब रजिस्ट्रेशन होगा बड़े सावधानी से सारा डिटेल भरिएगा, जी ठीक है ठीक है? सर अगर संभव हो तो अपने बीएसए जी साहब या अन्य जो भी अधिकारी हैं उनसे अपना अब तक जी का जो है अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, ठीक ठीक है सर, ठीक है? आप जब से ठीक पढ़ा रहे हैं, जितने सत्र पढ़ाए हैं, जितने समय का, पूरा अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, तो वो काम आएगा जब ये रजिस्ट्रेशन वगैरह करेंगे। फिर आगे का जो प्रक्रिया रहेगा तो फिर उस वक्त जी अचानक से आपको भाग करके नहीं बनवाना पड़ेगा, पहले से बनवाए रहेंगे तो, ठीक, सही कह ठीक है? रहे ये सर। बनवा लीजिए, सर और मार्च अप्रैल में रजिस्ट्रेशन बड़े सावधानी से करिएगा, कोई गलती ना होने पाए। ठीक सर, एक बात और बताओ, ये जो है ये जन्म प्रमाण पत्र, ये जाति प्रमाण पत्र ये बनवाने पड़ेंगे? नहीं, जाति प्रमाण पत्र को अगर जो है बहुत पुराना है तो बनवा लीजिएगा, लेकिन अभी नहीं, अभी रजिस्ट्रेशन पहले हो जाने दीजिए। ठीक है सर, हम कहीं तो अभी बनवाए थे सर, नहीं, दो अभी तीन महीने नहीं, पहले ही। अभी नहीं, जैसे ही चीजें शुरुआत हो जाएंगी ये रजिस्ट्रेशन हो जाने दीजिए, उसके बाद जो है सारी चीजें सामने आएंगी, घोषणा होगा तो बनवा लीजिएगा आराम से। हाँ, लेकिन अनुभव ठीक प्रमाण पत्र तो बनवा लीजिए हर हाल में, सर, अभी बनवा लेंगे। तो अनुभव प्रमाण ये पत्र। बीएसएफ में एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, बीएसएफ कार्यालय में? ये अपने बीएसए साहब से या बीएसए साहब से या जिससे भी पूछिएगा कि सर हम बनवाना चाहते हैं, तो आप जो है उनसे बात करके वो क्या प्रोसेस है कैसे है वो कर लीजिए। पूछेंगे किस लिए बनवाना है तो कह दीजिएगा सर आगे जो भर्ती आएगी उसमें आवेदन करने के लिए, बस इतना बोल दीजिएगा, ज़्यादा उनसे बात मत कीजिएगा डिटेल में। ठीक है सर, ठीक हाँ, ये बनवा लीजिए जरूर से, ये लाभ देगा, ठीक है सर, ठीक ठीक है?
चलिए, ग्रुप ठीक से है जुड़े जी, हैं तो जुड़े रहिए, लेटेस्ट अपडेट लेते रहिए। बांदे वगैरह जो फालतू बातें करते हैं धरना वरना की, उनसे दूर रहिए। ना ना सर, इनसे दूर ही है हम तो आपकी हाँ बात पे विश्वास कर रहे हैं सर। आप आपकी यूट्यूब पे वो देखो जैटी टेट पास, बस हाँ एक जो दिन भी, वहां से सर आपका नंबर उठाया था, अच्छा तो मैं सर अच्छा से बात करेंगे एक दिन, सर हाँ से तो बात करेंगे देखिए, उनका। चीनी कोई खिला रहा है तो समझ जाइए कि वो जो है आपको बीमारी दे रहा है। जी सही कह रहे हैं आप, आपकी बात बहुत अच्छी लगे सर थोड़ी, क्योंकि हाँ, वो आपकी सच्चाई है। बातों में कुछ कुछ कड़वाटपन हो ना हो, वो कड़वाटपन सही हो जी, सत्य हो। देखिए हम तो फैक्ट हाँ पर बातें करते हैं, तथ्यों पर बात करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आप आरटीई एक एक्ट, और बात करो, आप जो जो बोलो सही बोलो, भाई हम ऐसे में कोई झूठ कुछ बोल कमी करके, करो शिकायत कर जाऊंगा। झूठ बोल करके क्या मिलेगा बताइए। ना ना सही सही कहो हमें सर, हमें आपसे कोई चंदा लेना नहीं है, हमें कोई धरना करना नहीं है, और कुछ हमारा कोई ना लाभ सर है नहीं। हम आपको जानते नहीं, जी आप हमें जो है बस ये YouTube या इन माध्यमों से जानते हैं। कोई व्यक्तिगत पर्सनल जो है जान जी जी पहचान या दुश्मनी या दोस्ती ऐसा तो कुछ है नहीं। ना ना सही बात है सर। तो जो फैक्ट है हम फैक्ट बताते हैं, चाहे जो फोन करता है हर किसी से बात करते हैं, जो अच्छे से बात करता है उसे अच्छे से बात करते हैं। जी जी सर, तो चलिए सर अपडेट हमें देखिए, रहिए। आप जो आपसे बात कर रहे हैं, हम तो आपकी यूट्यूब सुबह सुनो जाए हैं वो, तो मैं आपसे पूरी धमकाया भी दो दोनों में देखिए, क्योंकि उन्हें बात करने का पता नहीं होता भाई, आप मैंने खरी बात करें। हाँ तो आप तो चलिए उनसे बिल्कुल खरी खरी सुना है, दो देखिए देखे दे गया। हाँ चलिए, आज आपकी बात हो गई, जो भी था क्लियर हो गया। कहीं आप कुछ बचा तो नहीं जानने के लिए कुछ सवाल? नहीं नहीं सर, धन्यवाद, बस चलिए ठीक है सर, वेलकम। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सर।